नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगिड़। और दोस्तों, आज हमारे पास है 0810 हिल्टी डेमोलेशन हिल्टी मशीन। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, HID कंपनी की ये मशीन है, डेमोलेशन हैमर मशीन। HID 0810 इसका मॉडल है दोस्तों। और देख पा रहे हैं 900 वाट की ये मशीन है दोस्तों। RPM की बात करें तो 29,000 RPM इसके पर मिनट होते हैं दोस्तों। फील्ड का देख लिए हम, फील्ड को एक बार थोड़ा सा अंदर से देख लिया है, चेक कर लिया है, फील्ड इसकी एकदम फ्रेश है। और पूरी मशीन का कंप्लीट स्पेयर हमने बिल्कुल खोल दिया है, हेड, फील्ड, आर्मेचर, गेयर वगैरह सब कुछ इसका बिल्कुल खोल कर अलग कर दिया हमने। तो दोस्तों आर्मेचर बिल्कुल ही इसका जो फील्ड है अंदर से बिल्कुल फ्रेश है, कोई रगड़ गड्ढा कुछ नहीं है इसके अंदर बिल्कुल। और आर्मेचर और ये गेयर है दोस्तों जो हमने इसका जो रिप्लेस करने हैं, ये पे यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप, जो ये इसके ग्रुप है, जो गरारी है इसकी बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। और आर्मेचर को भी इसने डैमेज कर दिया है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमें आर्मेचर को भी चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेन कारण है इसका, जो मैं आपको बता दूंगा कि किस वजह से ये जो हमारा आर्मेचर और ये जो हमारा गेयर है ख़राब हुआ है। तो दोस्तों कंप्लीट स्पेयर को हमने यहाँ पे, ये देखिए, इसको गेयर को हमने यहाँ से निकाल लिया है क्रैंक के इस वाले हिस्से से, यहाँ से जो कि आर्मेचर की तरफ होता है। तो दोस्तों इस गेयर को हमने यहाँ पे निकाल लिया है। और तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कौन सा स्पेयर किस टाइप से आपको लगाना है, किस टाइप से हमने निकाला है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा आर्मेचर है उसके जो बैरिंग लगे हुए हैं, बैरिंग इसके दोनों ठीक है, तो बैरिंगों को हम निकालेंगे। वीडियो हमने स्टार्ट कर लिया है दोस्तों, वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि कोई जानकारी आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों फर्स्ट में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि इस टाइप का जो भी नॉलेजफुल हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं पीछे वाला जो बैरिंग है 608 नंबर का है, जो कि पुलर की मदद से काफ़ी आसानी से हमने इसको निकाल लिया है। तो 608 नंबर का बैरिंग है दोस्तों, बैरिंग इसका बिल्कुल ओके है। और आगे वाले बैरिंग की बात करें तो यहाँ पर हमें जो आगे वाला बैरिंग है इसका, उसको भी हमें निकालना होगा, क्योंकि जो बैरिंग है वो ठीक है, तो हम इसमें पुरानी ही बैरिंग वापस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 6201 नंबर का बैरिंग है दोस्तों, इसमें आगे की तरफ यूज होता है 0810 हिल्टी आर्मेचर के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसको भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, वापस से इसको थोड़ा टाइट कस के फिर निकालेंगे। दोस्तों जगह थोड़ी सी कम है इसमें कूलर लगाने के लिए, बाकी ये बैरिंग निकल जाएगा। ये इसके पीछे एक वाशर भी लगा हुआ है इसका, वो भी थोड़ा टेढ़ा हो रहा है क्योंकि एक तरफ से दब चुका है कूलर में। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे की तरफ कर देंगे, अब ये निकल जाएगा। तो दोस्तों ये भी यहाँ पे देख पा रहे हैं निकल चुका है बिल्कुल आसानी से जो हमारा बैरिंग है। तो दोस्तों बैरिंग निकालने के बाद में ये जो वाशर है इसको भी हमें संभाल कर रखना होगा, क्योंकि हम वापस से हमें लगाना होगा नए आर्मेचर के अंदर। तो दोस्तों बैरिंग भी हमने निकाल दिए हैं इसके। चलिए पुलर का वर्क हमारा हो चुका है, पुलर को रख देते हैं साइड में, बैरिंग को चेक कर लेंगे। यदि बैरिंग ख़राब है तो आप उसे चेंज कर दें, प्ले वगैरह हो तो बैरिंग के अंदर। बाकी ये बैरिंग है जो इसका ठीक है। ये देखिए इसका नंबर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, 6201 नंबर इसका है दोस्तों बैरिंग का। ये देखिए 6201 नंबर। तो दोस्तों अब हमें जो इसका 608 नंबर बैरिंग है उसे भी हमें साफ कर लेना है। ये देखिए इसका भी मैं जो नंबर है आपको दिखा देता हूँ, 608 नंबर, जो कि ZZ का बैरिंग लगा हुआ है इसमें। तो दोस्तों ये जो आर्मेचर है हमें इस कंडीशन में हमें चेंज जरूर करना होगा, क्योंकि जो हमारी मशीन है बिल्कुल रन नहीं कर पाएगी, गेयर नहीं घूमेगा तो फिर पूरा वर्क नहीं करेगी मशीन। तो इसी वजह से दोस्तों आर्मेचर बाकी ठीक है, शॉर्ट नहीं है, पर हमें ये चेंज करना होगा। तो दोस्तों इसका जो गेयर हम चेंज करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं एक बार। तो दोस्तों ये जो गेयर है हमारे पास जो अवेलेबल है, देख पा रहे हैं मेड इन चाइना इसके ऊपर लिखा हुआ है पाउच के ऊपर। चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों रेट की बात करें तो लगभग 210 रुपये के आसपास आपको ये बल्क में मिल जाता है, होलसेल रेट में। वैसे आप सिंगल पीस परचेज करेंगे तो आपको थोड़ा हो सकता है महंगा पड़ जाए। तो बाकी दोस्तों इस गेयर को किसी भी टाइप से आप इसको लगा सकते हैं, उल्टा सीधा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी टाइप से आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो आर्मेचर है हम इसमें रेस्क्यू वाला डालने वाले हैं, सूटेबल फॉर 0810। तो दोस्तों रेस्क्यू
100% फुल कॉपर वाइंडिंग का दोस्तों आर्मेचर आता है ये, काफ़ी अच्छा चलता है। और रेट की बात करें तो लगभग आपको ये भी 580 रुपये का मिल जाता है होलसेल में। तो दोस्तों देख पा रहे हैं इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह भी इस पर कंप्लीट आपकी लिखी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों इस आर्मेचर का हम यूज़ करने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छा चलता है। तो चलिए दोस्तों मशीन के अंदर लगा देते हैं इसको। ये देखिए जो बैरिंग का सेपरेटर वाशर है इसको यहाँ पे लगा दिया है हमने, और ये 6201 नंबर का बैरिंग भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद में दोस्तों कोई बुश टाइप को आपको कोई भी पिन वगैरह आपके पास हो इस टाइप से, उसको पूरा ठोक लेंगे बैरिंग को। और जो 608 नंबर का बैरिंग है उसको सीधा ही हम यहाँ पे ठोक देंगे। तो दोस्तों दोनों बैरिंग लगाने के बाद में जो आगे वाली प्लेट है इसकी, इसको यहाँ पे हम इसी टाइप से बुश रख कर ऊपर से ठोक देंगे। ये भी हमारी सेट हो चुकी है। तो दोस्तों प्लेट के अंदर हमने आर्मेचर सेट कर लिया है बिल्कुल, सीट वगैरह बिल्कुल ओके है इसकी। तो चलिए आर्मेचर को मशीन के अंदर एक बार हम सेट कर देते हैं फील्ड के अंदर, और इसे हम यहाँ पे रबड़ सीट वगैरह इसमें होती नहीं है दोस्तों पीछे, क्योंकि जो बॉडी की जो सीट है हमारी प्लास्टिक वाली सीधी 608 नंबर है इसमें। और इसको भी सेट कर लेंगे और एक बार यहाँ पे फ्री है बिल्कुल इस टाइप से घुमाकर चेक कर लेंगे। कार्बन दोस्तों इसके पुराने ठीक हैं, तो बाकी हम इसमें पुराने कार्बन ही लगाने वाले हैं। कार्बन को अंदर बाहर करके ज़रूर चेक कर लें, कार्बन आपका बिल्कुल अटकना नहीं चाहिए। यदि कार्बन अटके तो आपको होल्डर्स को ठीक कर लेना है या फिर कार्बन को हल्का सा घिस लेना है। तो चलिए कार्बन इसका दूसरा वाला कार्बन है उसको भी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो दोस्तों दोनों कार्बन हमारे लग चुके हैं, इसके बाद में एक बार मशीन को घुमाकर चेक करेंगे। बिल्कुल अच्छे से रन कर रही है मशीन और स्पार्क वगैरह बिल्कुल नहीं दोस्तों देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़रूरी होता है एक बार मशीन को चेक करना। तो दोस्तों बगैर मशीन को पूरा फिट किए चेक करना काफ़ी ज़रूरी है, बाकी सावधानी रखें मशीन को पूरा टाइट पकड़ के उसी टाइम रन करें आप, वरना जो आर्मेचर आपका रगड़ खा सकता है, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों ये देखिए जो बिल्कुल आधा एचपी मोटर का जो एम्पलर होता है उस टाइप की चाबी है, उसी की चाबी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों दो चाबी हमने यहाँ पे सेट कर दी है। जो चाबी होती है इसकी एम्पलर वाली चाबी इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट सेट आती है। और ये देखिए दोनों होल की तरफ हमने एक एक चाबी को कर दिया है यहाँ पे लेफ्ट राइट, ताकि जो सेंटर करने में हमें समस्या नहीं आए। इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं उल्टा सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। रिवर्सेबल गियर है किसी टाइप से भी आप इसको लगाकर। तो ये नीचे की तरफ आपको यहाँ पे बुश या कोई भी आइटम आपके पास ऐसा हो कि अंदर क्रैंक के ऊपर टिक जाए, और फिर ऊपर से आपको इस टाइप से कोई बुश लेकर और गियर को यहाँ पे ठोक लेना है। काफ़ी आसानी से गियर है आपका जो सेट हो जाएगा। ये देखिए गियर पूरा फिक्स हो चुका है और दोनों चाबी इसके अंदर बिल्कुल फिक्स और सेट हो गई हैं। तो दोस्तों ये ज़रूरी है आपको नीचे की तरफ सपोर्ट लगाना, वरना जो गियर आप ठोकेंगे तो क्रैंक आपका नीचे की तरफ खिसक जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों एटलस का हाई परफॉर्मेंस जेल ग्रीस जो कि हम इसमें गियर में यूज कर रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। गियर जल्दी से कटेगा नहीं और जो हमारी मशीन है बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगी लंबे समय तक। तो यहाँ पे देखिए पूरा जो जेल है हमने अच्छे से भर दिया है। और ये देखिए दोस्तों 6001 नंबर का बैरिंग जो कि क्रैंक में नीचे की तरफ यूज होगा यहाँ पे, और ये जो क्रैंक का हिस्सा है हमारा गियर वाला, ये जो शाफ्ट दिखाई दे रही है ये इसमें सेट हो जाएगी 6001 नंबर बैरिंग के अंदर। और ये देखिए बिल्कुल आसानी से सेट हो जाएगा। और मशीन को खड़ा रख लेंगे यहाँ पे, और जो चारों बोल्टिंग है इसकी यहाँ पे एलेंकी वाले जो बोल्ट हैं दोस्तों लंबे वाले लगभग 2-2 इंची के बोल्ट हैं, इनको हमें बिल्कुल यहाँ पे 1x1 बिल्कुल टाइट कर लेना है अच्छे से। दोस्तों एक साइड का बोल्ट कभी भी पूरा टाइट नहीं करना है, बराबर से चारों बोल्ट आपको पूरा टाइट करने हैं बराबर से 1x1, जिससे जो मशीन की आपकी फिटिंग है और मशीन एकदम बिल्कुल अच्छे से फिट होगी। और एक बार इसको भी हम चलाकर चेक कर लेंगे दोस्तों, हर स्टेप पर एक बार मशीन को स्टार्ट कर लेने पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और चेक भी होता रहेगा, कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल क्रैंक अच्छे से घूम रही है। चलिए इसका जो सेफ्टी कवर है पीछे की तरफ जो कि होल्डरों को भी रोक कर रखता है, काफ़ी ज़रूरी है, इनको भी यहाँ पे जाली को लगाकर दोनों पेच इसके टाइट कर लेंगे।
तो दोस्तों इसके बाद में अब लगाने वाले हम इसकी कनेक्टिंग रोड। तो दोस्तों कनेक्टिंग रोड आप चेक कर लें, यदि कटी हुई है होल आपके कनेक्टिंग रोड के ठीक नहीं है तो उनको उसको आप चेंज कर दें। तो दोस्तों ये है पिन जो कि पिस्टन को और कनेक्टिंग रोड को एक जगह जोड़ती है। तो पिस्टन जो रिंग है कटी हुई थी तो हम इसमें नई पिन का यूज कर रहे हैं। नई पिन आपके पास नहीं हो तो फ्रेशर फैन वगैरह की जो भी शाफ्ट होती है पुरानी उसमें से काट कर आप बना सकते हैं, जिसका जो साइज है बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो पिस्टन है सेट कर दी है। पिस्टन का यदि रिंग कट रहा हो तो आप उसको भी चेंज कर दें। और ये देखिए रैचिड के अंदर भी हमें यहाँ पे ग्रीस को अच्छे से लगा देना है, भर देना है, ज़्यादा भी नहीं भरना हो दोस्तों, बिल्कुल लिमिट से। और चलिए रैचिड को हमें हेड के ऊपर फिक्स कर देना है यहाँ पे। तो दोस्तों चारों जो बोल्टिंग है इसकी भी प्रॉपर तरीके से टाइट करनी है आपको। तो दोस्तों रैचिड भी बिल्कुल फिक्स हो चुका है मशीन का हमारा। चलिए इसके बाद में दोस्तों थोड़ा ग्रीस हमें यहाँ पर कनेक्टिंग रोड के ऊपर और एक्स्ट्रा लगाना होगा, जो कि पिघल पिघल कर जो स्ट्राइकर और पिस्टन है उसके साथ चलता रहेगा और मशीन की जो परफॉर्मेंस है लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी। तो दोस्तों इस मशीन में ऑयल का यूज़ कभी नहीं होता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जेल ग्रीस इसी टाइप की यूज करनी है आपको इस मशीन के अंदर, ऑयल बिल्कुल नहीं यूज करना है। तो चलिए जो हेड है इसको यहाँ पे जो इसका ग्रीस का कैप है इसको यहाँ पे बंद कर देंगे और इसे भी यहाँ पे चाबी से टाइट कर लेंगे ताकि चलते वक्त मशीन खुले नहीं है। चलिए हैंडल है जो इसका हैंडल भी यहाँ पे लगाकर सेट कर देंगे, जो कि काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, बगैर हैंडल के ये मशीन है जो यूज नहीं हो पाती है सिंगल हैंडल से। और इस टाइप से इसको लगाकर ऊपर से हैंडल को यहाँ पे कस लेना है बिल्कुल। और तो दोस्तों हैंडल हमारा सेट हो चुका है। चलिए मशीन के अंदर टूल होल्डर को पीछे की तरफ करके और ये हमने इसका जो बिट है इसको भी यहाँ पे लगा दिया है, बिट हमारा सेट हो चुका है। चलिए मशीन को चलाकर चेक करेंगे, देखते हैं किस टाइप का परफॉर्मेंस आता है मशीन के अंदर। तो ये है हमारा स्टोन टेस्टिंग के लिए, काफ़ी पक्का स्टोन लिया हुआ है जो कि जल्दी से टूटता नहीं है। दोस्तों मशीन का पावर है जो बिल्कुल अच्छा आ रहा है, प्रेशर काफ़ी अच्छा आ रहा है, मशीन का जो साउंड है वो भी काफ़ी कमाल का आ रहा है। तो दोस्तों मशीन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें, क्योंकि इसी टाइप के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।